हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 100 ग्राम घी। आप रिफाइंड या फिर सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। मैंने घी यूज़ करा है 100 ग्राम और इसमें थोड़ा रिफाइंड ऑयल भी डलेगा। तो यहाँ पे करीबन 50 या 60 ग्राम रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद ये थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके अलावा हमने थोड़ा गरम मसाला भी लिया है, जैसे कि 3 से 4 बड़ी इलायची, 6 से 7 छोटी इलायची और दालचीनी और स्टार फल और ये छोटी काली मिर्च करीबन 6 से 7 और लौंग लिया है 4-5। इनको थोड़ा तेल में गरम करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज तकरीबन 250 ग्राम के आसपास है, उसको बारीक काट लिया है। प्याज को हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। अच्छी तरीके से इनको ऐसे भूनना है। भूनने के बाद ये मैंने तेज़पत्ता लिया है, 3 से 4 तेज़पत्ते डाल सकते हैं आप। तेज़पत्ता डालने के बाद इसको अच्छी तरह भूनना है। उसके बाद इसमें आप जीरा डाल सकते हैं। ये मैंने जीरा डाला है। जीरा मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अभी जीरा क्या है, इसमें जीरा थोड़ा फूलेगा। अगर तेल में डायरेक्ट जीरा डाल देते तो जीरा जल जाता है, वो सिकुड़ जाता है। इस वजह से हमने जीरा बाद में डाला है। अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे। आप ही देख सकते हैं आप, प्याज का कलर जो है वो हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है। देख सकते हैं आप, इसको पूरा गोल्डन हो गया। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। चिकन मैंने 1 किलो लिया है, तकरीबन 1 किलो। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें आप भूनते समय ही नमक डालें, क्योंकि अगर आपने नमक नहीं डाला तो ये चिकन क्या है, फीका फीका सा लगेगा। फिर अच्छी तरह इसको भूनना है। ये मैं 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ। इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनना है। चलाते रहिए ताकि ये नीचे पकड़े ना, क्योंकि इसके अंदर पानी तो है नहीं, सिर्फ तेल और चिकन है। ये कुछ हरी मिर्च है, मैं इसमें पिसा हुआ कुछ भी पिसा हुआ मसाला नहीं यूज़ कर रहा हूँ, सारे खड़े मसाले हैं। ये टमाटर हैं, तकरीबन 2 से या 3 टमाटर हैं मीडियम साइज के। मिर्चें कम से कम हरी मिर्च 10 मिर्चें थी। अब इनको अच्छी तरीके से भूनना है और इसे चलाते रहें, भूनते रहें। उसके बाद अब इसको थोड़ा पकने दें अच्छी तरीके से। और ये चावल हैं, बासमती चावल हैं, मीडियम साइज़ के हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, आप आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये हमारे चिकन थोड़ा बहुत 50% पक चुका है, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ, पक चुका है, कम से कम 50% पक चुका है। इसके बाद मैंने ये दही लिया है, तकरीबन 150 ग्राम दही है। दही ये पकने के बाद इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा आ सके। अब ये दही को अच्छी तरीके से भूनना है, इसमें चिकन में पूरा मिक्स करना है। मैंने भिगो लिए थे तकरीबन 10 से 15 मिनट और ये 750 ग्राम चावल है और 1 किलो चिकन है। चिकन हो चुका है अच्छी तरीके से। तो इसमें करीबन हम 1 लीटर पानी डालेंगे। पानी इतना रहे कि चिकन के जो पीसेस हैं वो सारे पानी के अंदर हो, कोई भी ऊपर ना हो। देख लीजिए, ये अच्छी तरीके से मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब नमक डालेंगे क्योंकि चावलों में भी नमक जाएगा, क्योंकि नमक 1 ही चम्मच डाला था। अभी नमक डाला है हमने। नमक डालने के बाद इसे हला, इसे चला लेंगे। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है, पानी खोलने लग गया अच्छी तरीके से जो हमने पानी डाला था। अब जो चावल भिगोए हुए थे वो चावल भी इसमें डाल देंगे।
आराम आराम से डालना है चावल, और चावल को डालने से ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि चावल को भिगो के रखा था तो थोड़े कच्चे हो चुके हैं। इस तरह आप आराम आराम से सारे चावलों को डाल दें। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है ये बिरयानी बनाना, और आप अपने घर में भी बनाएं काफ़ी अच्छा बनेगा। चावल डाल दिया है सारा, अब इसको ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने खोला है तो देख सकते हैं चावल थोड़ा सा पानी सूख चुका है। अब देखिए चावल बन चुके हैं अच्छी तरीके से बिरयानी हमारी, और ये चिकन देखिए कितना अच्छा बना है, और कोई भी चावल चिपका नहीं है आपस में, काफ़ी खुला खुला बना है। ये दही से हुआ है, दही जो डालता है उससे ही चावल खुले खुले बनते हैं। चलिए टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से कोई नई वीडियो में।